हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के न्यू सेशन में, जहां पे हम अलग अलग प्रकार के ग्रामर टिप्स सीखते हैं विद दी हेल्प ऑफ न्यूज़। आज भी हमारे सामने एक न्यूज़ देख ही सकते हो आप। तो आज हम जानेंगे नॉमिनेट वर्ब के बारे में, किस टाइप से आप नॉमिनेट वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो बट अटक जाते हो, डर जाते हो, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो ये कमी है प्रैक्टिस की। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है हमारा नमस्ते इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से, और उसके बाद ज्वाइन करना है हमारा अनलिमिटेड अकाउंट। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे आप बोलकर, प्रैक्टिस करके, ढेर सारी प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख सकते हो। तो फ़ायदा उठाइए इस अनलिमिटेड अकाउंट के इन फीचर्स का, एंड देन अपने अंग्रेजी को थोड़ा सा, जो अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश है जो आपकी, उसको थोड़ा सा बूस्ट दीजिए और जल्दी जल्दी जो है फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख लीजिए। चलिए वापस आते हैं न्यूज़ पे। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ नॉमिनेटेड इंडियन अमेरिकन राधा इयंगर प्लम्ब टू अ टॉप पेंटागन पोजीशन। तो पेंटागन आपको पता है, वहाँ आपके एक ऑफिस का नाम है जहाँ से हर प्रकार की चीज़ों पर निगरानी रखी जाती है। एक्चुअली आप थोड़ा सा जानोगे इसके बारे में। तो चलिए, तो उनको एक इंडियन ओरिजिन से हैं, नाम देख ही सकते हो, इंडियन अमेरिकन है, मतलब इंडियन बाय बॉर्न इंडियन है, उसके बाद अमेरिका में सेटल हो गई होंगी। तो राधा एंगर जो है, इनको टॉप पोजीशन दे दी गई है पेंटागन में। न्यूज़ तो बन गई थी, तो न्यूज़ बन गई है, बट हमें दोस्तों जानना है नॉमिनेट का मतलब। सबसे पहले देखिए, नॉमिनेट एक तो वर्ब है, इसका मतलब होता है नामांकित करना, ये नौकरी देना किसी को, ये भी कह सकते हो, या प्रस्तावित करना, है ना, इस टाइप से। बट नॉर्मली कह दो कि नॉमिनेट का मतलब होता है नामांकित। नामांकित करना, जैसे दोस्तों अब इसी का ना एक बार एक फॉर्म भी देख लो, वर्ब की फॉर्म्स नॉमिनेटेड हो जाता है आपका। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म नॉमिनेटेड हो जाएगा इस टाइप से। तो जैसे रोहन को आप अपने घरों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, देखो रोहन को गांव का मुखिया, अब इलेक्शंस हुए थे अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा मुखिया इलेक्शंस, तो रोहन को गांव का मुखिया या गांव के मुखिया के लिए नामांकित किया गया। इस टाइप से मान लीजिए कोई सेंटेंस हो, आपको बोलना हो, या आपको एज अ मॉनिटर जो है नियुक्त किया गया, नियुक्त नहीं कहेंगे, नामांकित करना मान लीजिए किया गया। ठीक है, तो कैसे बोलोगे, तो रोहन को गांव के मुखिया के रूप में नामांकित किया गया। तो रोहन was nominated as the village head। मुखिया को विलेज हेड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रोहन was nominated as the village head। nominated देखा आपने, nominated past form यूज कर लिया गया इसका, nominate का। ठीक है, ये कट गया, बट देख लीजिएगा nominated ही है ये। तो नॉमिनेट का सेकंड फॉर्म नॉमिनेटेड हमने यूज़ कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, मैं काट के दोबारा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि आपने काट क्यों दिया सर। ये देखिए नॉमिनेटेड। ठीक है, तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आपने जाना नामांकित करना, यानी कि नॉमिनेट करना, किसी को किसी पद के लिए, किसी नौकरी के लिए नामांकित कर देना कि भाई ये इसको चुन ले गया। ठीक है, इस टाइप से जो है नॉमिनेट कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे हम एंड, बट जाते जाते इतना सब आपने देख ही लिया है, तो इस वीडियो को ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ सेंटेंस भी बना के दे दीजिएगा हमें। हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे कि आपने नॉमिनेट से किस टाइप से जो है एक सेंटेंस बनाया है। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। कीप स्माइलिंग बट येस, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर अनलिमिटेड अकाउंट। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे हैड।